भाई ये वाले वो दही बड़े जिसके लिए हर बंदा लाइन में लगा हुआ है, किसी से पता कर दो कि तो मजेदार चीज है। मजेदार चीज तो है भैया, भी बचपन से खा रहे हैं। अच्छा बचपन से खा रहे हैं, आलम तो चेक करो, ये फड्डे चल रहे हैं, फड्डे भाई ये देखो, बाकी दही बड़े नजर ही नहीं आ रहे, सिर्फ सर नजर आ रहे हैं, ये तो चेक करो। अभी क्या लेके जा रहे हैं क्या वजह से, और वो फ्रेस्को का हाल है, कैसे फ्रेस्को के करीब जाएंगे कैसे, ये चेक करें। यहाँ अलग रश है, फ्रेस्को की तो ऐसी की तैसी कर दी है इन लोगों ने रश की वजह से, तो चलते हैं, लेकिन कोशिश यही है कि करीब जा सकूं फ्रेस्को के। भाई ये फ्रेस्को का आलम है, खड़े होने की जगह नहीं है, तो यार ये वाला रश चेक कर रहे हैं आप, आगे जाने की जगह नज़र ही नहीं आ रही है, रोड तक ब्लॉक कर दिया गया है भाई बाइकों की। यहाँ पर चरगे, मंदियाँ, कढ़ाइयाँ, तिक्के शिक्के भाई सारी चीज़ें मिल जाती है, पर असल जो चीज़ है मोटिव है, असल ये एक मेरे लिए बिल्कुल यूनिक और डिफरेंट चीज़ है कि अफ्तार में भी लोग फिश खाते हैं। बाबा जी आप आज साहब फिश लेने आए हैं, आप भी फिश वाले पकोड़े या फिश लेने आए, तो ये अफ्तार में वैसे खाते रहते हैं या फर्स्ट टाइम? ये क्या चीज़ है, ये लोम चढ़े? अच्छा ये पानी में डालेंगे तो ये वो, तो यार लोम चढ़े तो ये वाले होते हैं ना वैसे, सेट होता है इसको लोम चढ़े के लिए, वाइट वाली होती है, हाँ कबाब होती है, और एक लाल वाली होती है, खत्म हो गई, पूरा सेट लोम चढ़े के लिए पूरा सेट। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग, इस वक्त मैं बंस रोड पर मौजूद हूँ और आज हम आपको एक्सप्लोर करवाने वाले हैं बंस रोड की अफ्तारी स्ट्रीट, और जैसे कि आप देखेंगे इतनी ज़्यादा बल्क में वैरायटी, मल्टीपल चीज़ें यहाँ पर बेची जा रही हैं, और रश का जो आलम है वो तो भाई पलक है, तो चल के आपको मज़ीद एक्सप्लोर करवाते हैं, सारी चीज़ें देखते हैं, लोगों से रिव्यू लेने की भी कोशिश करेंगे, और आपको भी दिखाएंगे यहाँ क्या मज़े मज़े की चीज़ें अफ्तारी में मिल रही होती है, तो फिर चलते हैं और आपको एक्सप्लोर करवाते हैं फिर आ जाएँ। तो भाई यहाँ से स्टार्ट हो जाती हैं बंस रोड की जो कुछ रौनकें हैं, ये वो पीछे जलेबियाँ तैयार की जा रही हैं फ्रेश, और समोसे अभी आपको जैसे आगे माशाल्लाह ये फ्रेश जलेबियाँ तैयार हो रही हैं भाई, और यहाँ से तैयार करने के बाद ये है शीरा। उस्ताद जी जलेबी निकाल दो थोड़ी सी, ये आ गई है जलेबी। ओ हो 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 क्या लेके आवा, तो तुम ये समोसे के साथ और क्या बनाने वाले हो अभी? बहुत से आइटम, चिकन रोल, मीट रोल, चीज़ बॉल, माशाल्लाह भाई सुभान अल्लाह, ये अफ्तारी के बेसिक ये लवाजमात चलाते हैं, ये दही बड़े वगैरह बंस रोड पे हर तरह की चीज़ देखने को मिल जाती है। यार ये क्या चीज़ है यार, ये तो मैं पता करूं, एक नई चीज़ देखने का इंकशाफ हुआ है यार। भाई ये क्या चीज़ है, ये लोम चढ़े? अच्छा ये पानी में डालेंगे तो ये वो, तो यार लोम चढ़े तो ये वाले होते हैं ना वैसे, सेट होता है इसको लोम चढ़े के लिए, वाइट वाली होती है, हाँ कबाब होती है, और एक लाल वाली होती है, खत्म हो गई, पूरा सेट लोम चढ़े के लिए, पूरा सेट हो गया, और ये सही है, तो एक काम करेंगे ना आपसे प्लेट बनवा कर ही खा लेंगे, यहाँ आके इसको खा लेके घूमेंगे फिर, सही है ना? नहीं नहीं अफ्तारी, अरे हाँ हाँ अफ्तारी के बाद ही बिल्कुल। भाई ये लोम चढ़े हैं, वैसे इसकी प्राइस पैसे वगैरह क्या है एक प्लेट के? ये 30 रुपए की है, ये 150-200 रुपए दर्जन है, ये 200 रुपए दर्जन और ये 30 रुपए की एक। चले तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, पीछे तो एक अलग ही मंजर लगा हुआ है, ये है बड़ा खौफनाक वाला मंजर। क्या बना रहे हो बॉस? 100 रुपए की प्लेट है भाई, 100 रुपए की प्लेट फ्रूट चाट, ये क्रीम वाली है या? हाँ ये सर। भाई ये माशाल्लाह चेक कर रहे हैं, यहाँ पर जो रश है भाई सुभान अल्लाह, इतनी सारी है फिश कौन, मेरे ख्याल में फिश के पकोड़े मिल रहे हैं यहाँ पर, ये हाजी साहब ये फिश के पकोड़े बेच रहे हैं आप इस वक्त, फिश के पकोड़े हैं ये, फिश के पकोड़े, और भाई ये फिश खाई जा रही है माशाल्लाह से यार। वैसे आप लेने आई हैं पहले, लिया इससे कैसे, किस तरीके के होते हैं फिश के पकोड़े? फिश के पकोड़े अच्छे होते हैं, चले ये सुभान अल्लाह भाई, मैंने ये फर्स्ट टाइम देखा है वैसे फिश के पकोड़े यार यहाँ पर माशाल्लाह, ये एक मेरे लिए बिल्कुल यूनिक और डिफरेंट चीज़ है कि अफ्तार में भी लोग फिश खाते हैं। बाबा जी आप हाजी साहब फिश लेने आए हैं आप भी?
फिश वाले पकोड़े या फिश? फिश लेने आए। तो ये अफ्तार में वैसे खाते रहते हैं या फर्स्ट टाइम खाते रहते? माशाल्लाह यार, ये बड़ी नई चीज़ है यार। ये पकोड़े वगैरह क्या हिसाब चला रहे हो भाई फिश के? और कोई चीज़ है फिश के इसके अलावा? इसके अलावा मुश्का है, डंडिया है। वैसे ये अफ्तार में खाई जाती है, लोग खाते हैं अमूमन? सुभान अल्लाह भाई, यार ये तो बड़ी मुनफरद चीज़ निकली भाई अफ्तार में यार। और इसके अलावा भाई यहाँ तैयार हो रही हैं जलेबियाँ, समोसे और ये गुलाब जामुन वगैरह का ये जो पूरा हिसाब, पुराना हिसाब किताब है। ये भाई को डाला, ये जलेबी भाई फ्रेश, बिल्कुल फ्रेश बन के तैयार हो के निकली है, गरम गरम वाली। और फिर से जलेबी बनने जा रही है, पीछे मैंने आपको दिखाई, लेकिन यहाँ जो है बहुत ज़्यादा रश है भाई। ये बल्क में सीधे तैयार हो रही है, जो गरम गरम कचौरियाँ तैयार कर रहा है यहाँ पर। इसके साथ में जो आपको मिल जाती है बाकी सारे लवाजमार, कचौरी, समोसे। यार ये इतने सारी मल्टीपल समोसे आपने रखे हुए हैं, क्या क्या चीज़ें हैं भाई ये? क्या कह रहे हो? बर्गर भी है? बर्गर कहाँ है? अच्छा वो बर्गर। हाँ यार तुम तो बिल्कुल सही निकले वैसे। माशाल्लाह यार बहुत ज़्यादा बल्क में जो चीज़ें यहाँ बेची जा रही हैं आप देख रहे होंगे, यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ ये, ठीक है। रश इतना है जिसकी वजह से जो है ना वक्त ही नहीं है माशाल्लाह से यार। और यहाँ हर नस्ल का पकौड़ा और समोसा आपको मिल जाए। यार ये अफ्तार में बर्गर कौन खाता है बड़े भाई? वैसे खाते हैं लोग। तो आप कौन सा चिकन वाला बर्गर चला रहे हैं या अंडे वाला? क्या कह रहे हैं? दाल अंडे का स्वाद होता है, दाल अंडे का। और इसकी प्राइस वगैरह क्या है बॉस? सिंगल 60 की है, डबल 120 की है यार। लगा तो ये भी माशाल्लाह एक अच्छी क्वांटिटी में रहे, जाहिर सी बात है लोग खाने वाले यहाँ मौजूद ही होंगे। अच्छा ये देख रहे हैं माशाल्लाह छोटे छोटे स्टॉल्स लगा के हर बंदा बैठा हुआ है, बच्चे और बड़े। रमजान वाहिद एक ऐसा महीना आता है जिसमें अल्लाह ताला बेशुमार रिस्क अता करता है। तो हर बंदा, मैं ये देख रहा हूँ माशाल्लाह से तकरीबन लोग जिनका रोजगार नहीं होता वो भी इस महीने में अगर लगा लेते हैं, ये बहुत अच्छा ऑप्शन होता है जी साहब। ये बोतल भाई, ये जदाकल्ला, ये बच्चे ने बोतल दी, इससे मैं रोज़ा अफ्तार करूँगा। वैसे तो यहाँ बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं भाई खाने में अफ्तारी के वक्त ही, मैं आपको ये बता रहा हूँ। यहाँ पर चरगे, मंदियाँ, कढ़ाइयाँ, तिक्के शिक्के भाई सारी चीज़ें मिल जाती हैं। पर असल जो चीज़ है, मोटिव है, असल ऑब्जेक्टिव है भाई, वो मेरा है समोसों का और पकौड़ों का। ये चेक कर रहे हैं भाई, पकोड़े तैयार किए जा रहे हैं भाई। यार ये प्याज वाले आ रहे हैं और वो आलू वाले, सुभान अल्लाह भाई ज़बरदस्त। यही वाली रौनक ये देखने के लिए तो मैं आज यहाँ पर आया हूँ, जो कि बड़ी देर बाद देखने को मिली है। पीछे बेसिकली बैक एंड पे तैयार की जा रही है चीज़ें, और यहाँ पर ये कि सामने तैयार हो गई। अब मैं आपको मज़ेदार चीज़ दिखाने वाला हूँ, आलू का एक पकौड़े तो आपने देखा होगा, और ये कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी से पकौड़े था भाई। इसका साइज़ तो चेक करें, फूड पर और भी यूट्यूबर्स आए हुए हैं माशाल्लाह से। और इसके अलावा यहाँ जो मैं देख रहा हूँ मज़े क्या है, समोसे रोल के साथ बॉन्टोन सैंडविचेस वगैरह भी आपको दे रहे हैं, सुभान अल्लाह भाई। यार ये क्या, कौन कौन सा शरबत है भाई? भाई ये दूध पाकोला और वो तरबूज वाला शरबत है, तरबूज रोज है। ये आप लोग बंस रोड वाले हो या वाटर पम्प वाले? पाकोला बंस रोड वाला और वो वाटर पम्प वाला। और मेरे भाई कितने कितने का दे रहे हो वैसे? ये 50-50 रुपए का यार, सुभान अल्लाह भाई। ये चीजें यार, ये क्या चीज़ें थे, खाना खत्म हो गया क्या? ठंडा मिर्चा भाई, वाचर पंप का मशहूर दरवाजे, वाचर पंप का मशहूर है भाई, ठंडा मिर्चा भाई। यार ये वाला रश चेक कर रहे हैं आप, आगे जाने की जगह नजर ही नहीं आ रही है, रोड तक ब्लॉक कर दिया गया है भाई बाइकों की वजह से। और वो फ्रेस्को का हाल है, कैसे फ्रेस्को के करीब जाएंगे कैसे, ये चेक करें। यहाँ अलग रश है फ्रेस्को की, तो ऐसी की तैसी कर दी है इन लोगों ने रश की वजह से, तो चलते हैं। लेकिन कोशिश यही है कि करीब जा सकूँ फ्रेस्को के। भाई ये फ्रेस्को का आलम है, खड़े होने की जगह नहीं है, तो बस इस तरीके से बंस रोड पे जो है ना अफ्तारी मिलती है। मैं किसी से पता करता हूँ कि इनके समोसे वगैरह कैसे। यार इनके समोसे वगैरह कैसे, फ्रेस्को के समोसे रोल कैसे, अच्छे हैं? अभी क्या लेके जा रहे हैं क्या? ये समोसे तो ख़त्म ही हो गए फ्रेस्को के पास में आया हूँ, और रोल तो खैर समोसे थोड़े बहुत इनके बाकी हैं, ये चेक करें। और रश का ये आलम है कि इंतहा हो गई, सबसे ज़्यादा जो रश जो मैं देख रहा हूँ ना,
वो ज्यादा रश है दही बड़ों पे। के फ्रेस्को के रोल समोसे ज्यादा अच्छे हैं या दही बड़े? दही बड़े। दही बड़े तो आप अभी समोसे भी लेके जा रहे हैं वो? लेकिन अब कैसे वो दही बड़े अच्छे हैं। आपने इसे ट्राई करें? दही बड़े यहाँ की सौगात है तो चल के आपको दिखाता हूँ मैं। दही दही ये सही मतलब ये देखो यार बहुत रश है। आलम तो चेक करो, ये फड्डे चल रहे हैं फड्डे भाई। ये देखो बाकी दही बड़े नजर ही नहीं आ रहे, सिर्फ सर नजर आ रहे हैं। ये तो चेक करो, ये फड्डे हो रहे फड्डे भाई। ये वाले वो दही बड़े जिसके लिए हर बंदा लाइन में लगा हुआ है। किसी से पता करता हूँ कि तो मजेदार चीज है। मजेदार चीज तो है भैया, बचपन से खा रहे हैं। अच्छा बचपन से खा रहे हैं। दही बड़े लेने आए हो? ले लिए? लेने आए हो? खड़े यार बहुत टाइम लगेगा इसमें। और यार देखो जैसे कि मैं आपसे कह रहा था, रमजान में अल्लाह ताला बेशुमार लोगों के लिए रोजगार के दरवाजे खोल देता है। फ्रेस्को दही बड़े बेच रहा है, लेकिन ये अच्छी चीज है, फ्रेस्को ने परमिशन दी है। बाहर एक बिल्कुल न्यूट्रल बंदा पापड़ियां बेच रहा है, तो यार अगर यहाँ से दही बड़े लेते हैं आप तो पापड़ी इन्हीं में से किसी ने खरीदिएगा। ये चेक कर रहे हैं, खत्म हो गया तो उसके बाद अब दोबारा से भाई है, अब इसके ऊपर दही डालेंगे। भाई लड़ो नहीं यार, ये बेचारा बस देखो रोजा लग गया भाई को यार। ये मानोगे नहीं तो रोजा तो लगेगा ना यार। रश में कैसी कैफियत होती है? इस रश में कैसी कैफियत है? थोड़ा करीब आके क्या कह रहे हो? क्या क्या फील होता है इस रश में? मजा आता, मतलब बुरा हाल नहीं होता कि हर जगह से हाथ आ रहे होते। समोसे यहाँ के बेहतर है या बराबर में बेहतर है? ये वैसे दोनों एक ही है या अलग अलग है? अलग अलग है यार। यहाँ से मैं देख रहा हूँ समोसों का जो रश है ना भाई, यहाँ पर है भाई समोसों रोल वगैरह का रश मुझे यहाँ नजर आ रहा है। बाकी दही बड़े अगर ले रहे हैं तो यार दही बड़ों वाली जगह तो मुझे वो नजर आ रही है सिर्फ। बाकी ये हमारे असम भाई हैं, बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, इनको तो आप जानते ही होंगे भाई। ये है रोड की अफ्तारी जो कि बंस रोड पे फ्रेस्को के सामने कराई जा रही है। मुझे नहीं पता कि ये फ्रेस्को करवा रहा है, कौन करवा रहा है या यहाँ के लोग करवा रहे हैं। खैर लेकिन इसमें बताना ये चाहूँगा कि ये बेसिकली कराची की सौगात है। हर कराची वाला कराची के हर रोड पे हर स्ट्रीट पे आपको इस तरह इफ्तार होती भी मिलेगी। और बेशतर जगहों पे तो शहरी का भी अब कॉन्सेप्ट आता गया है, आ गया है तकरीबन बेशतर जगहों पे ना। तो इसमें मैं अफ्तारी में अगर आपको बताता चलूँ कि पब्लिक के लिए जो करवाई जा रही है, जो कि बहुत महंगे भाई फ्रूट्स मिल रहे हैं वो भी रखे हुए यहाँ पर, समोसे खरबूजा पकौड़े चीकू खजूर और पकोड़े और ये पपीता। ये असल सौगात है। देखें बहुत सारे लोग तो बेचारे मुंतजर है कि रोज़ा खुल जाए जल्दी से। तो एक बात बताओ दोस्तों, इस तरह जो रोड पर अफ्तार होती है, और आप बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि मैं भी रोड पे ही करता हूँ, तो इस चीज़ को आप क्या समझते हो? अच्छा समझते हो ये करना चाहिए लोगों को? क्या कहना है आप लोगों का? अब इसमें दूर जाते जाते टाइम लग जाता है, रोज़ा रास्ते में खुल जाता है, तो कहीं ना कहीं तो लगाना है ना। तो खुशी होती है आपको देख कर ये? देखें यार कितनी अच्छी चीज़ है, और माशाल्लाह ये वर्कर्स है, आप सिंध गवर्नमेंट के वर्कर्स हो सारे, माशाल्लाह यार चलें खुश रहें, अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे। इसके बाद दो चार पाँच गिलास मैं भी पीने वाला हूँ। और यहाँ पर मल्टीपल खैर यूट्यूबर्स काफ़ी सारे मैं देख रहा हूँ, और भी आए हुए लोग के दोस्त हैं जो अफ्तारी करवाते हैं। कितने टाइम से करवा रहे हैं? ये तकरीबन 40 साल 45 साल तो हो गए। इसके पीछे एक क्या मोटिवेशन है ये अफ्तारी करवाने की? मुसाफिर वगैरह जो होते हैं ना, उन सब मतलब यहाँ पर अफ्तार करते हैं, जो बेचारे दूर दूर से आते हैं। खुशी होती है देख के अल्लाह ताला ने हमें इस काबिल बनाया कि हम लोगों के काम आ रहे हैं। यार अल्हम्दुलिल्लाह आज पहला रोज़ा जो स्ट्रीट पर होता है उनके साथ खोलते हैं। अजान तो हो गई अल्हम्दुलिल्लाह विद दिस अल्लाह उम्मीद नहीं लगा सुन को अभी काम किसी का वाली ने और तब तो वो आधा रिश्ते का टाइम हो गया। और ये जूस रास्ते में बच्चे ने दे दिया था, और सीरियसली ये इतना मज़ेदार है, वैसे ही ये जूस हो रहा है, ये जूस जो आप देख रहे हैं। फिर इससे अल्हम्दुलिल्लाह अफ्तार करें, और इसके बाद समोसे वगैरह जो हमने खरीदे हैं वो खाएंगे, उसे रोल जो हमने लिए इसके बाद इसको रोज़ फरमा लेंगे। लेकिन ये जो बच्चा जो चीज़ लेकर गया ना, ये बहुत प्यारी चीज़ लेकर गया है।
सुभान अल्लाह भाई। इसकी चौथी सहरी हमने स्ट्रीट अफ्तार की रीत तरीके से फिर से समोसे खरीद के और जूस जो हमें बच्चे ने दे दिया था वैसे। अब बताने का मकसद ये था और आने का एक ऑब्जेक्टिव ये था कि कराची की एक बड़ी और अच्छी फूड स्ट्रीट के साथ साथ अफ्तारी स्ट्रीट भी है और यहाँ पर दर्जनों लोग ऐसे हैं जो कि अफ्तारी करवा रहे होते हैं, वो बेघर लोग और बेसहारा लोग और वो लोग जो अपने घर टाइम पर नहीं पहुँच पाते, वर्कर हैं इस तरह का, तब तक यहाँ अफ्तारी कर रहा होता है उनको। और ये पिछले 50 सालों से माशाल्लाह कंटिन्यू किए हैं, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो मैं बताने का मकसद ये है कि सारी चीज़ों को दिखाने का भी कि कराची वालों का दिल माशाल्लाह कितना बड़ा है। और इतना फिर से कहूँगा कि ऐसा मेरा कराची है इसमें हर बंदा जो है ना एडजस्ट हो सकता है, हर बंदा समा सकता है। अब इतनी इजाज़त है, इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखें, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें अगर आपने नहीं किया है, ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको मिलती रहे। अल्लाह हाफ़िज़।